सभी किसान भाइयों को रमाकांत बरखाने की ओर से नमस्कार। हमारी चैनल आज का मंडी भाव में सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच सके। और किसान भाइयों, डिस्क्रिप्शन में हमारी न्यू चैनल रिवाज फार्मिंग, जिसमें खेती बाड़ी से हर की जानकारी दी जाती है, उसे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। किसान भाइयों, हम बात करते हैं आज नीमच मंडी भाव की। नीमच मंडी भाव की बात करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और डिस्क्रिप्शन में हमारे न्यू चैनल रिवाज फार्मिंग का लिंक है, उसे जाकर ओपन करें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गेहूं की। गेहूं मिल की बात करें तो 1830 से 1880 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं एवरेज की बात करें 1880 से 1950 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं लोकवन की बात करें 1950 से 2280 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं मक्का की बात करें 1680 से 1760 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं जौ की बात करें 2000 से 2180 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं अश्वगंधा पत्ती की बात करें 880 से लेकर 11000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अश्वगंधा बीज की बात करें 5900 से लेकर 11500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अश्वगंधा की बात करें 12000 से लेकर 33700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आंवला की बात करें किसान भाइयों, तो आंवला का 3800 से लेके 5000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं अजवाइन की बात करें, अजवाइन का भाव रहा 8000 से 12500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं उनालू अजवाइन की बात करें किसान भाई, उनालू अजवाइन का भाव रहा 1250 से लेके 14000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अलसी की बात करें 6900 से लेके 8350 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं इसबगोल की बात करें किसान भाई, 10000 से लेके 14200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उड़द की बात करें 3200 से लेके 6500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं उनालू उड़द की बात करें 6500 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सोयाबीन की बात करें किसान भाई, सोयाबीन की 300 बोरी की आवक रही, ऊपर में 9600 रुपये प्रति क्विंटल बीचा, नीचे में 6800 बीचा, मीडियम में 8800 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। वहीं कलौंजी की बात कर ले किसान भाई, तो कलौंजी का भाव रहा 11000 से लेकर 22700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं धनिया की बात करें, धनिया में बादामी धनिया का भाव रहा 5600 से 7600 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं ईगल का भाव रहा 7200 से लेकर 7700 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं मसूर की बात कर ले किसान भाई, तो मसूर का भाव रहा 6000 से लेकर 6920 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं मेथी की बात करें किसान भाई, तो मेथी का भाव रहा 6100 से लेकर 7400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं मेथा की बात कर ले किसान भाई, तो मेथा का भाव रहा 7400 से लेकर 8000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं मूंग का भाव रहा 5700 से 6300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं मूंगफली का भाव 4500 से 6200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं तारामीरा का भाव किसान भाइयों 5500 से 6850 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं तिल्ली का भाव रहा 6000 से लेकर 10050 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं राड़ा का भाव 6400 से 7400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं चने की बात करें किसान भाई, चने का कांटा वाला 3700 से 5025 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। वहीं विशाल चने की बात करें किसान भाई, तो विशाल चने का भाव रहा 3600 से उधर ले जाओ यार आगे 3600 से 4950 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मैं डालर चने की बात करें 3500 से 9000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मैं तुलसी बीज की बात करें किसान भाई, तुलसी बीज का भाव रहा 12000 से लेकर 23500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं प्याज की बात करें 600 से 1750 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं लहसुन की बात करें किसान भाई, तो 1500 बोरी की लगभग आग पक रही और देसी माल ऊपर 8000 में बिचा। फूटा माल 1000 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल, छल्ली माल 1500 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं मीडियम माल की बात करें किसान भाई, तो मीडियम माल रहा 2200 से लेकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल। में लड्डू माल रहा 3000 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल। में लड्डू फुगोला मिक्स माल रहा 4000 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल। में फुगोला मोटा मिक्स रहा 5500 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल। में बाक्स माल की बात करें किसान भाई, 6600 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। में ऊटी माल की बात करें किसान भाई, तो ऊटी माल रहा 9000 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। और मीडियम की बात करें किसान भाई, 5000 नीचे में 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। किसान भाइयों, ये थी नीमच मंडी की छोटी सी अपडेट। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।